have you. हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गैस टेस्टिंग से रिलेटेड टॉपिक डस्ट इन माइंस के। हम लोगों ने डस्ट टेस्टिंग वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ एयर बॉर्न रिस्पायरेबल डस्ट, यानी कि श्वसनीय धूल की अनुमत सीमा क्या होती है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार देना है। TDMS के अनुसार अगर कोल सीम है, कोल फेस है, तो 3 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर, जिसमें सिलिका का रिस्पायरेबल परसेंटेज 5% से कम हो, और अगर वो फेस नॉन कोल है तो 15/2 सिलिका का परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आते हैं 2 पे, विच इंस्ट्रूमेंट इज अलाउड टू मेजर द एयर बॉर्न रिस्पायरेबल डस्ट अकॉर्डिंग टू DGMS। DGMS के अनुसार श्वसनीय धूल की जाँच करने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लिया जाता है। तो इंडिया में जो लिया जाता है वो है ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैम्पलर MRE-113A। व्हाट इज डस्ट रिस्पायरेटर, डस्ट रिस्पायरेटर क्या है। तो यह हल्के पदार्थ का बना मास्क होता है, जिसमें लगा फिल्टर डस्ट को पकड़ लेता है और हवा साफ होकर हमारे नाक तक पहुंचती है। इससे रिगार्डिंग कुछ प्रोविजन भी है जो हमें जानना जरूरी है। यह उस जगह के काम में लिया जाता है जहाँ पे डस्ट को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, या फिर उस जगह काम में लिया जाता है जहाँ पे डस्ट कंट्रोल करने के लिए टेम्प्रोरी उपाय किया जा रहा हो, कोई डिवाइस या मशीन लगाया जा रहा हो, या फिर डोजर ऑपरेशन, रूप बोल्टिंग, क्रशर ऑपरेशन इत्यादि के लिए कोई व्यक्ति जो कार्यरत हो उसको रेगुलर इसका उपयोग करना होता है। मैनेजमेंट को ये निर्धारित करना होता है कि इसका नियमित सफाई होते रहे, विसंक्रमण यानी डिसइंस्पेक्शन ना हो, ट्रेनिंग दिया जाए यूज़ करने का, इंस्पेक्शन होते रहे हर 7 दिन में, और हर 6 महीने में इसका कैलिब्रेशन होता रहे। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हु विल कंडक्ट द एयरबॉर्न डस्ट सर्वे, यानी कि एयरबॉर्न डस्ट सर्वे कौन करेगा। तो इसका आंसर इस प्रकार देना है, जिसको मैनेजर अपॉइंट किया हुआ हो और जिसके पास वैलिड ओवरमैन का सर्टिफिकेट हो, उसके साथ ही जिसके पास मिनिमम 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस हो एज ए ओवरमैन, जिसमें से 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो हो वो उसी माइंस में हो जहाँ पे उसको सर्वे करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरबोर्न डस्ट सर्वे कहाँ कहाँ और कब होना चाहिए। तो इसका आंसर हम लोगों को कुछ इस प्रकार देना है कि नॉर्मली हर 6 महीने में एयरबोर्न डस्ट सर्वे किया जाए, बट अगर एक अनुपात जो हम लोगों को DGMS परमिशन दिया, अगर 50% से अधिक हो जाए तो हर 3 महीना में, और अगर 75% से अधिक हो जाए तो हर महीने के अंतराल में हम लोग को करना हो। कहाँ कहाँ करना है, तो डिस्ट्रिक्ट के फर्स्ट फेज से 30 मीटर इनटेक के तरफ, डिस्ट्रिक्ट के लास्ट फेज से 30 मीटर रिटर्न के तरफ, उसके बाद एट एवरी फेज, हर फेज पे, हर लोडिंग पॉइंट पे, अनलोडिंग पॉइंट पे, ट्रांसपोर्ट साइट पे, और हर जगह जहाँ पे बंकर बंकर के सूट पे। अब कोल डस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, इसे रिगार्डिंग कुछ प्रोविजन है। कोल कटिंग मशीन का जो पिक्स हो, यानी कि जो छुरा हो वो शार्प हो, पजा हुआ हो, सही सेप का हो, उस पर वाटर स्प्रे होता रहे। ड्रिलिंग अगर किया जा रहा हो तो ड्रिल बिट सही से पजा हुआ हो, बिट पर सही प्रेशर डाला जाए। ड्रिल बिट यानी कि जो बर्मा होता है उसको समय समय पर खींचकर बाहर निकालना है और फिर होल को साफ करना है। ब्लास्टिंग अगर हो रहा है तो फेस में आवश्यकता से अधिक ज़्यादा होल नहीं करना है, ज़रूरत से ज़्यादा बारूद नहीं भरना है ताकि कोयला ज़्यादा चूर चूर ना हो जाए। अगर लोडिंग हो रहा है तो टब, चेन, बेल्ट, कन्वेयर ओवरलोड ना किया जाए, और माल जब अगर अनलोड किया जा रहा है तो बहुत धीरे धीरे गिराया जाए ताकि कोयला बाहर ना गिरे। उसके साथ ही अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो टूटा चदरा वाला या ख़राब टब वाला टब काम में नहीं लिया जाए, ट्रैक ठीक से बैठा हो ताकि कोयला टब से बाहर ना निकले, डीरेलमेंट ना हो, अगर डीरेलमेंट हो भी जाता है तो कोयला को जल्दी जल्दी उस जगह से साफ करवा दे ताकि क्रश होके कोयला चूर ना बन जाए, डस्ट ना बने। अगर फेस में लोडिंग पॉइंट तक कोयला गिरा हुआ है तो समय समय पर उसका तल्ली को उठाकर साफ कर देना है, नहीं तो मशीन से वह चूर हो जाएगा। फेस के 60 मीटर तक गैलरी को पानी से धोकर डस्ट को हटा लेना है और पाइपलाइन को समय समय पर आगे बढ़ाकर रखना है। तो दोस्तों, ये गैस टेस्टिंग से रिलेटेड वीडियो का और भी बहुत सारा सीरीज आने वाला है, तो तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए आप हमारे सब्सक्राइब बटन को हिट कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टिल देन, जय हिंद।